फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर भगवान शिव ने देवी पार्वती की कठोर तपस्या के बाद उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए ये दिन शिव शक्ति के मिलन का दिन भी माना जाता है। इस साल 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। महादेव की पूजा में धतूरे का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता है। ऐसे में आप शिवरात्रि के दिन काले धतूरे के उपाय कर सकते हैं। इससे आपको शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है, जिससे जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर काले धतूरे को फोड़कर उसका फल अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर गंगाजल से धारा बनाकर 1008 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से व्यक्ति को नौकरी और व्यापार में उन्नति देखने को मिल सकती है। भगवान शिव की पूजा में धतूरा अर्पित करने का विशेष महत्व माना गया है। वहीं महाशिवरात्रि के दिन घर में काले धतूरे का पौधा लगाना भी शुभ माना जाता है। इससे पूरे परिवार पर शिवजी की कृपा बनी रहती है। साथ ही इस पौधे को घर में लगाने से व्यक्ति को अपने वैवाहिक संबंधों में भी लाभ देखने को मिलता है। महाशिवरात्रि की पूजा निशिता काल में करने का विधान है। ऐसे में महाशिवरात्रि पर निशिता काल की पूजा के दौरान शिवजी को काले धतूरे के फूल जरूर अर्पित करें। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने पर जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसके साथ ही व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है।